कांग्रेस एमएलए बीजर जमीर अहमद खान के घर आज एसीबी ने रेड किया है। इससे पहले तकरीबन एक साल पहले ईडी ने रेड किया था और ये बताया गया था कि इनका जो घर है उसके दस्तावेजात तफ्तीश के लिए आए हैं। जमीर अहमद खान ने ईडी रेड के बाद बयान दिया था कि उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, तमाम घर जो बनाया गया है उसके दस्तावेजात भी हैं और उसके साथ साथ जितनी भी उनकी दौलत है उसके तमाम दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जमीर अहमद खान के चेहरे पर कभी डर देखा नहीं गया था। उसके बाद लगातार उनकी बयानबाजी का जो सिलसिला है, हमेशा वो हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को नुक्ताचीनी करते हैं, किसी भी मामले में वो बेबाकी से बयान देते हैं और उनका जो अंदाज़ है वो कभी बदला नहीं। इसी वजह से लगातार वो सुर्खियों में भी रहते हैं। हालिया दिनों में जमीर अहमद खान ने हुकूमत के ताल्लुक से भी कई अहम बयान दिए थे, चाहे वो चामराजपेट का ईदगाह का मसला हो, चाहे वो किसी तरह के दलित मर्डर केस का मामला हो, किसी भी मामले में चामराजपेट को कम्युनल होने से उन्होंने बचाया और हमेशा सेकुलर होकर तमाम मज़हब के लोगों को लेकर वो चलते रहे। इसी वजह से अक्सर वो सुर्खियों में भी रहे हैं और कई लोगों के निशाने पर भी रहे हैं। उनके जो चाहने वाले हैं वो जमीर अहमद खान के घर बाहर पहुंचे हैं। तकरीबन जमीर अहमद खान के 5 अलग अलग ठिकानों पर ये रेड हुए हैं और जमीर अहमद खान के घर, जमीर अहमद खान के चाहने वाले जिसमें तमाम मज़हब के लोग मौजूद हैं, वो नारा लगा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जमीर अहमद खान को निशाना बनाया जा रहा है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, खास करके रियासती हुकूमत की जानिब से। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी का जो सिलसिला है वो सुबह से लगातार जारी है। कई लोग जो है वहाँ जमा हो रहे हैं, पुलिस वहाँ की बंदोबस्ती की वजह से, नाकाबंदी की वजह से उन्होंने वहाँ कई लोगों को वहाँ पर डिटेन भी करने की कोशिश की है और लोगों को वहाँ से डिस्ट्रॉय किया है। सबसे अहम बात यह है कि कर्नाटक में कई अहम इश्यूज़ चल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ जो PSI स्कैम है वो काफ़ी बड़ा स्कैम था, काफ़ी बड़ा इशू था, उसे डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ही में यहाँ PSI के सिलसिले में काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। वो जो स्कैम है वो हुकूमत की तरफ इशारा करता है, हुकूमत को बदनाम होने का एक ज़रिया बनता है। इसी वजह से हो सकता है कि इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए जमीर अहमद खान के घर रेड किया गया है, ये जमीर अहमद खान के चाहने वालों का कहना है। आज जो जमीर भाई के घर के ऊपर ACP का जो रेड हुआ है, ये मेरे हिसाब से ये सेंट्रल की चाल है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के अंदर कर्नाटक के राज के अंदर बहुत बड़े लीडर बन गए बोल के बहुत शैक में है, बहुत पॉपुलर होने की वजह से ये सेंट्रल का टारगेट है। लास्ट टाइम ईडी वाले भी किए थे और CB वाले भी कर रहे हैं। ये छोड़ के अगर राष्ट्रों को अच्छा करना है तो अच्छे काम करना चाहिए। ये इलेक्शन के राजकीय तंत्र बोलते ना, ऐसा कर रहे हैं। जमीर भाई को हर बार टारगेट करके उनको हाफ करके रखना चाहते हैं। वो भी हाफ नहीं होंगे, हम भी हाफ नहीं होंगे इंशाल्लाह। हम सच्चाई के लिए कानून के चौकट के अंदर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। आज इंडिया में कर्नाटक में एक महीना की लीडर है, उनका इतना अच्छा नाम है, इतने गरीबों को मदद की है। ये होना होना के बीजेपी वाले समीर जी को डाउन करने के लिए इतने इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनका तो क्लीन है, वो कभी गरीबों को अपने मेहनत से मदद करते हैं। ये चलन है, हमें डर नहीं है, हमें डर नहीं है। हमारे साथ नाहक कर रहे हैं। एक BJP लेकर घर रेड नहीं होता है, पूरे कांग्रेस वालों के घरों को रेड करते हैं। कितना सुलभ है हिंदुस्तान में ईडी का डर दिखाते हैं BJP वाले। जी आज हमारे लीडर बीजर जमीर अहमद खान के ऊपर जो पहले भी रेड हुआ था और जानबूझकर रेड कराया, क्योंकि इतना लीडर जैसे कोई भी आगे बढ़ रहा करके बोल के एक BJP और सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट षड्यंत्र करके है कि हमारे लीडर को आज रेड कराने का एक षड्यंत्र किया है। देखिए ये ईडी की रेड जो पहले पड़ी थी, ईडी की रेड में जो है अल्लाह ताला उनको गरीबों की दुआ से जो है हिफाजत कर लगागा। अब जो है अचानक ACP की जो रेड पड़ी है इसमें आके साजिश है। अब देखो फेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो या व्हाट्सएप ओपन करो, कौन है BZ जमीर अहमद खान साहब है, इधर पैसे दे रहे हैं उधर पैसे दे रहे हैं, पोर गरीब का शादी कर रहे हैं, हॉस्पिटल को कर रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? जमीर अहमद खान साहब कर रहे हैं। 224 MLA के अंदर अगर कोई कर रहे हैं बोले तो अपने सरफे खास से खर्च कर रहे हैं बोले तो जनाब BZ जमीर अहमद खान कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, BJP वाले को जो है एक नज़र में पड़ गए हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका नाम हो रहा है, इनको जो है कम करना है। ऐसा कम नहीं होता, अल्लाह ताला और इज्जत देता है, पब्लिक जो है और इज्जत दे के और नवाजेगी।